দেখছেন এখানে আমরা শক্তিগড় টুল প্লাজায় আছি। দুর্গাপুর আসানসোল দিকে অনেক বাস আসছে, এরা ষড়যন্ত্র করে এখানে ট্রাক ট্রাক রোডে উপর দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার নেই, মানে এটা ষড়যন্ত্র আছে। রাজনৈতিক পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস যেরকম পশ্চিমবঙ্গালে হচ্ছে, পুরো বঙ্গাল ধরেন এটাই হচ্ছে। আর মে বলনা চাহতা হুম কি নাবান্ন চলো কে লিয়ে জিতনা ষড়যন্ত্র করিয়েগা উসকে বাবজুদ ভি নাবান্ন মে আজ না মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ না উনকে কোই কর্মচারী হ্যাঁ অভি সে ও লোক ইয়ে মান চুকে হ্যাঁ কি ভাজপা নাবান্ন মে আনে ওয়ালা দিন মে বেঠনে ওয়ালা হ্যায় আর আজ সে স্যানিটাইজার আর ক্লিন কা কাম চালু হো গিয়া হ্যায়। 6 মহিনা মে চুনাও হোগা আর ইয়ে তয় হো জায়েগা কি ওয়াহ মুখ্যমন্ত্রী নেই রহেগি। অভি তক ইয়াহাঁ কম সে কম 80 বাস আসানসোল সে যা চুকি হ্যায় और हम लोग यहाँ खड़े ताकि कोई षड्यंत्र ना हो, उसके बाद आगामी प्रस्थान करेंगे। टूल टैक्स वाले से बात, षड्यंत्र के लिए कुछ निकलता नहीं है, षड्यंत्र षड्यंत्र होता है। अभी अभी ठीक है, अभी हम लोग खड़े हैं, सारे गाड़ी को यहाँ से निकाल रहे हैं। আমরা প্রায় হয়ে গেল প্রায় আধা ঘন্টার উপরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এটা এদেরই ষড়যন্ত্র, নবান্ন দিদি ছুটি দিয়ে পালিয়েছে, তৃণমূল ভয় পেয়ে গেছে, বিভিন্ন জায়গায় আটকানো হচ্ছে, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এইরকম বিজেপির মিছিল বিজেপির গাড়ি আটকে দিচ্ছে। আমরা বলতে চাই এভাবে আটকে দিয়ে বিজেপি কে আটকানো যাবে না, আমরা বেরিয়ে যাব। নবান্নতা দিদির দিন শেষ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ঠিক করে নিয়েছে নবান্ন থেকে দিদির বিদায় এবার আসন্ন, তাই জন্য এরকম গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। আমরা বলছি গাড়ি যদি না সরায় আমরা ঠেলে সরিয়ে দেবো, গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবো আমরা নইলে। ইসমে স্যার দেখিয়ে আপ ইস টুল পে নেই ইয়ে চ্যালেঞ্জ পে আপ জায়েঙ্গে आपको पूरा 60 किलोमीटर अंदर कम से कम 8-10 आपको ब्रेकडाउन का गाड़ी मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि हमने गाड़ी को ब्रेकडाउन कराया, जो आपने जो पहले बता रहे थे उस तरह का हमें इससे शिकायत नहीं रहता है, और इस तरह का प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हमने किए नहीं है। ऐसे ब्रेकडाउन था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसके बाद हमारा एम्प्लॉय जाने के बाद उससे धक्का बक्का मार के फिर ड्राइवर से बातचीत करने के बाद वो गाड़ी गया। हाथापाई किस कुछ ऐसे कुछ हुआ नहीं है, जो भी हुआ बातचीत हुआ है, हाथापाई की बात नहीं हुआ है। उन लोग को आगे जबरदस्ती हमारा टूल को हमारी गाड़ी को फ्री किए, उसके वजह से हम लोग उनको मना किए जो आप फ्री मत करिए। दूसरे बात में जो भी मतलब 10-12 जन बंदा रहने के बाद ऐसे जो बातचीत में लगता है जैसे कोई हाथापाई हुआ था, किसी ने भी आपको कंप्लेंट नहीं दिया होगा कि कोई भी वीडियो में नहीं रहेगा जी हमारा स्टाफ किसी को धक्का मारा है कि आपको धक्का मारा है, वो भी धक्का मारा है। अब मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ वो आके हमारा टोल को फ्री किए। जबी वो गाड़ी जाम में उसका ख़राब हो गया, तभी वो ड्राइवर ने हमको आया बोलने के लिए, तभी उस टाइम पे नहीं था जब मैं ब्रेकडाउन हो गया था, लेन का हमको पता नहीं चलता है। तभी उसके बाद भी हमारा जाम जो हो रहा है, अभी हमारा दो दिन से अभी कंटिन्यू चल रहे, आपका सामने भी मेरा ट्रक खड़ा हुआ है जो पुराना एक एजेंसी था, सारा मटेरियल लेके जा रहा है मिस्टर, उसको अपना डिसमेंटल कर रहे हैं, नया इक्विपमेंट लग रहे हैं। अभी भी आप भी जाके उस आप हमारा टोल पे दे सकते हैं, वो अभी इक्विपमेंट सारा जो था लेन में जो इक्विपमेंट लगता है टोलिंग में, वो इक्विपमेंट अभी डिसमेंटल करके नुआ एक एजेंसी और NHAI ने दिया है, वो इंस्टॉल कर रहे हैं। जब इंस्टॉल करते हैं उसको लेन बंद करना पड़ता है, जिस लेन में काम हो रहे हैं उसी लेन बंद करके काम करना पड़ता है, क्योंकि वो सारा मटेरियल उनको निकाल चुका है। उसके वजह से हुआ है, वहाँ पे भी जितने भी प्रॉब्लम हुआ है सब वहाँ पे जो बीजेपी का स्टाफ लोग उतर के उनका आदमी आके यहाँ हमारा गाड़ी को भी फ्री कराया है, टोल पे फ्री कराया, उसके वजह से हमारा रेवेन्यू भी लॉस हुआ है।